हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास के इंग्लिश की असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9 जो कि 15 नवंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में आपके सामने 10 क्वेश्चंस होंगे। हर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन सही होगा उसके सामने जो सर्कल है, सर्कल आपको गोला करना है। यह हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं तो बहुत टफ नहीं है। हर क्वेश्चंस 1 मार्क के हैं, यानी 10 मार्क के हैं। इस असेसमेंट वर्कशीट में हमारे साथ पूरा बने रहिएगा। बहुत ईजी है। आपकी पोयम और 2 चैप्टर्स और इसमें ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे। तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपकी एक पोयम है, चैप्टर 5th, उससे लिया गया है। और आपको पता है कि एलिजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो पोयम है उसके आंसर्स आपको देने हैं। पहला पोयम है, व्हाट मेड सेंट पीटर एंग्री। सेंट पीटर को किस बात से गुस्सा आया। वुमेन्स ग्रीड, वुमेन्स प्राइड, वुमेन्स सेल्फिशनेस, वुमेन्स काइंडनेस। बी करेक्ट आंसर है, वुमेन्स सेल्फिशनेस। सेल्फिश यानी जो स्वार्थी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द चिल्ड्रेन वेयरिंग फ्री क्लोथ लुक। दे लुक लाइक लिटिल पप्स, दे लुक लाइक फॉक्सेस, दे लुक लाइक फॉन, दे लुक लाइक लिटिल बियर कब्स। तो डी आंसर एकदम करेक्ट होगा। तो डी के सामने वाला जो गोला है इसे आप काला करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेल्फिश वुमेन चेंज इनटू। वो सेल्फिश वुमेन यानी जो स्वार्थी महिला थी वो किस में बदल गई। इन ए फॉक्स, नो। इन ए क्रो, नो। इन ए ईगल, नो। इन टू अ वेड पैकर, वो क्या हो गई, इन टू ए वुड पैकर, वो इसमें चेंज हो गई। तो इसे आप करेक्ट करेंगे और इसको काला करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ वाज सेंट पीटर फीलिंग व्हेन ही रीच द लिटिल वुमेन्स कॉटेज। जब वो लिटिल वुमेन की झोपड़ी में पहुंचे तो कैसा फील कर रहे थे। ट्राइड एंड हंग्री, हेल एंड हर्टी, हैप्पी एंड रिफ्रेश, ट्रेम्बलिंग कोल्ड एंड फीवर। टायर्ड एंड हंग्री ये करेक्ट आंसर है और ये के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, टोटो एडवेंचर में, हाउ वाज टोटो टेकन टू सहारनपुर। टोटो को सहारनपुर कैसे लिया गया, इन ए बास्केट, नो। इन ए लिटिल केस, इन ए कैनवास बिग बैग, इन ए बिग ब्लैक प्लास्टिक बैग। तो कैनवास के किट बैग नहीं। इसमें आपका जो सही आंसर है वो सी है, कैनवास के किट बैग में। इस गोले को आप काला करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डिड टोटो डू विद द राइटर्स स्कूल ब्लेजर। उसने राइटर का जो स्कूल ब्लेजर था उसके साथ क्या किया। तो ही टोर इन टू सेट, वो उसे फाड़ डाला। तो ए करेक्ट आंसर होगा। ए के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन है, फ्राम वेयर डिड द ग्रैंड फादर बाय द मंकी। यानी टोटो को कहाँ से ग्रैंड फादर ने खरीदा था। फ्राम ए मार्केट, नो। फ्राम ए मॉल, नो। फ्राम जंगल, नो। फ्राम ए तांगा ड्राइवर, तांगा ड्राइवर से उसे खरीदा था। तो डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। एट्थ क्वेश्चन है, नेम द थिंग्स टोटो डिस्ट्रॉयड एट द राइटर्स होम। राइटर के होम पे टोटो ने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया। तो सारी चीज़ों को, ऑल द अबव। डी क्वेश्चन करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। देखिए, ही सेड टू मी यू आर लकी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी, यू को आई हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पास्ट टेंस है तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा, तो आई के साथ वाज लगेगा। तो देखिए, ही टोल्ड मी दैट आई वाज लकी। तो आई विल, आई एम, आई वर गलत। तो डी क्वेश्चन करेक्ट है। डी के सामने वाले गोले को आप काला करेंगे। टेंथ है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ भी देखिए, आई सेड टू हिम व्हाई, ये इंट्रोगेटिव हो गया तो आस्क लग जाएगा। आई आस्क्ड हिम व्हाई आर यू। अब देखिए, यू को ही के साथ, आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज। आई आस्क्ड हिम व्हाई ही हैड, नहीं व्हाई ही वाज। ये देखिए, एक ही जगह ही वाज है, बस आपका है ही वाज वर्किंग सो हार्ड। तो आई आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज वर्किंग सो हार्ड। एक क्वेश्चन करेक्ट है। एक के सामने वाले गोले को काला करेंगे। सो स्टूडेंट, आपने देखा कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने बड़ी आसानी से चेंज कर लिया। यानी आपको अगर टेंस चेंजिंग के रूल्स पता है, कैसे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो चेंज होती है, प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, तो बहुत आसानी से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। और एमसीक्यूज़ भी आप देख रहे हैं ऐसे ही, चूँकि आपके जो एमसीक्यू
हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें एम सी क्यूज वेस्ट क्वेश्चन आएंगे, तो उनको प्रैक्टिस करिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। थैंक यू।